Good day students, welcome to your own channel our classroom let's learn and today is 29 September 2020 and we are doing our worksheet number 4 of mathematics for class 6 and this worksheet is based on the concept of subtraction. The concept of subtraction here is described with the help of number line. आपको बताया गया है कि सब्ट्रैक्शन होता क्या है और ऐसा किया गया है एक नंबर लाइन को यूज़ करके. आप यहाँ देख सकते हैं कि नंबर लाइन दी गई है और उसमें से बताया गया है कि आप कैसे माइनस कर सकते हैं, यानी कि 10 में से अगर आपको 3 माइनस करना है तो आप 10 से बैकवर्ड जाएंगे, 1, 2 एंड 3 स्टेप्स आपको बैक जाना पड़ेगा एंड देन यू विल गेट 7. तो आपको सब्ट्रैक्शन में क्या करना होता है, बैकवर्ड काउंटिंग करनी होती है, जबकि आपने जब एडिशन किया था तो आपको क्या करना था, फॉरवर्ड काउंटिंग करनी थी. तो ये है कंसेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन कि इसमें आपको बैकवर्ड काउंटिंग करनी पड़ती है. और अब हम आगे देखते हैं कि हमें सब्ट्रैक्शन के मीनिंग क्या क्या दिए गए हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ सब्ट्रैक्शन. तो सब्ट्रैक्शन के मीनिंग बहुत तरह से डिफाइन किए जा सकते हैं बच्चों. जैसे कि सब्ट्रैक्शन जो है वो टेकिंग अवे होता है, यानी कि किसी से कुछ लेना, लेस करना कम कर देना, डिफरेंस दो चीज़ों के बीच में कितना अंतर है वो पता लगाना, कितना कमी आ गई है यानी कि डिक्रीज़ कितना हुआ है, डिडक्ट कितना हुआ है अगर बैंकिंग की भाषा में बोलें तो, माइनस करना या बैकवर्ड काउंटिंग करना. तो ये सभी जो हैं, इन सभी वर्ड्स से हमें पता क्या चलता है कि हमें सब्ट्रैक्शन को अप्लाई करना है, यानी कि वी हैव टू यूज़ द कंसेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन. तो अगर आपके क्वेश्चंस में ये वर्ड्स आते हैं तो इसका मतलब है कि यू हैव टू यूज़ द कंसेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन. आपको माइनस करना है, लेस देन का यूज़ करना है, या आप कह सकते हैं कि आपको घटाना है. अब जब हम हमने पढ़ा है कि जो हमारे नंबर्स होते हैं उनमें टेंस और वंस प्लेसेस होते हैं, यानी कि वंस प्लेस और टेंस प्लेस जो है उनकी मदद से हम सब्ट्रैक्शन कैसे करें वो हम सीखने वाले हैं अब इस नए कंसेप्ट में. तो आप देखिए यहाँ पर हमें 56 में से जब 29 माइनस करना है, यानी कि वी हैव टू टेक आउट 29 फ्रॉम 56. तो आप किस तरह से करते हैं, आपको कैरी ओवर लेना है. अब वंस प्लेस पर जो डिजिट है वो किससे कैरी ओवर लेती है, वो 5 यानी कि टेंस प्लेस वाले डिजिट से कैरी ओवर लेती है. तो जो टेंस प्लेस वाले डिजिट है उसमें से 1 लेस हो जाता है और जो हमारी वंस प्लेस वाले डिजिट है वहाँ पर ये टेंस प्लेस वाला 1 यानी कि टेंस 10 वंस जाकर जुड़ जाते हैं. तो 10 वंस जब 6 वंस में जुड़ेंगे तो वो हो जाएगा 16 वंस और यहाँ पर रह जाएगा 4 टेंस. और जो 29 है उसको माइनस करना था तो 2 टेंस और 9 वंस माइनस करेंगे आप तो ये हमारा आ जाएगा 16 में से 9 जब हम माइनस करेंगे वंस प्लेस पर तो हमारे पास 7 वंस रह जाएंगे. और 4 टेंस में से 2 टेंस जब हम माइनस करेंगे तो 2 टेंस रह जाएंगे. यानी कि आप सिंपली देख सकते हैं इसको यहाँ पर करके कि जब हमें 56 में से 29 माइनस करने थे तो हमने कैरी ओवर लिया 5 से 6 के लिए और 6 को क्या बना दिया हमने, 16. अब हम 16 में से क्या माइनस करेंगे, 9. यानी कि हमें ये 9 जो है 6 में से नहीं 16 में से माइनस करना है तो हमारे पास आ जाएगा 7. और 5 ने एक अपना कैरी ओवर 6 को दिया था यानी कि एक टेंस जो है 6 के पास चले गए थे तो यहाँ पर कितना बच जाता है, यहाँ पर 4. और अब हम 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2. तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 27. तो इस तरह से हम कैरी ओवर लेकर माइनस कर सकते हैं. इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि किस तरह से हमें ये करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कीजिए आपको 34 में से 15 माइनस करने हैं तो आप किस तरह से करेंगे. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 जो है वो जो ये 34 की जो वंस प्लेस है वो 15 के वंस प्लेस से छोटा है तो हमें कैरी ओवर लेना पड़ेगा. हम 3 से 4 के लिए कैरी ओवर लेंगे और 3 से 4 के लिए कैरी ओवर हम लेकर 4 के पास अब एक टेंस आ गए हैं तो 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 14. यानी कि अब हमारे पास यहाँ पर आ गया 14. ठीक है, तो अब हमें 14 में से 5 माइनस करना है तो ये हो जाएगा 9. और हमने यहाँ पर कैरी ओवर दे दिया था तो 3 में से
एक टेंस कम हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा टू, तो अब हम टू में से वन माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 19, तो यानी कि 34 में से जब हम 15 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 19। आप एक और सम करके देख सकते हैं, 63 माइनस 45 किस तरह से माइनस करेंगे, आप एक कैरी ओवर लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 13। 13 में से 5 माइनस जब आप करेंगे तो आपके पास आएगा 8, और यहाँ से कैरी ओवर जा चुका है 6 के पास से, तो 6 जो है वो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, तो 6 की जगह आएगा 5, तो हमें 5 में से 4 माइनस करना होगा तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 18। तो इस तरह से हम अपनी जो सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस है उसको फॉलो कर सकते हैं। आप नेक्स्ट एग्जांपल भी देख सकते हैं, ये जो एग्जांपल आपको दिया गया है 40 में से 18 आपको माइनस करने हैं, तो आप 40 का 4 में 4 टेंस और 0 वंस हैं आपके पास, तो 4 टेंस में से एक टेंस आप इधर देंगे तो देखिए ये 10 वंस हो गया, यानी कि एक टेंस आ गए यहाँ पर, और 10 में से 8 माइनस करके आपके पास 2 आ जाता है, 4 ने अपना एक टेंस दे दिया था तो 3 बचता है, 3 में से 1 गए 2। तो इस तरह से आप इस वर्कशीट के इन सम्स को कर सकते हैं, आप कैरी ओवर का कंसेप्ट यहाँ से समझ सकते हैं कि कैरी ओवर कैसे किया जाता है। ये सवाल आपने पहले भी किए हैं, अब आप देखिए बाय हाउ मच। अब देखो यहाँ पर हमने ये जो वर्ड्स की बात की थी, इन वर्ड्स को डिस्कस किया था ना यहाँ पर, अब क्वेश्चन आप पढ़िए, बाय हाउ मच इज़ 3756 लेस देन 5433, तो यानी कि 3756 जो है वो 5433 से कितना कम है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास वर्ड आ गया लेस, तो इसका मतलब हमें माइनस करना है, और हम बड़ी डिजिट में से, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देंगे। तो अब आप यहाँ पर कैरी ओवर का कंसेप्ट देखिए किस तरह से यूज़ किया गया है। तो कैरी ओवर का कंसेप्ट हम देखते हैं कि जो हमारा सम था वो था 5433 माइनस 3756, तो हम इसको कर लेते हैं, 5433 माइनस 3756 आपको ये करना है। तो ये हमारा वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, और हम इनको थोड़ा सा इस तरह से, ये वंस प्लेस है, ये टेंस है, ये हमारा 100 प्लेस है, और ये 1000 प्लेस है। तो हमें अब माइनस करना है, तो हम टेंस प्लेस से पहले वंस प्लेस के लिए, पहले हम वंस प्लेस से शुरुआत करते हैं माइनस की। तो हमने एक कैरी ओवर लिया और ये यहाँ पर हो गया हमारे पास 13, तो 13 में से 6 जब माइनस करते हैं तो कितना आता है, ये आता है 7। 13 में से 6 माइनस करने पर, अब इन्होंने अपना एक कैरी दे दिया था तो यहाँ पर बचा 2, तो 2 में से भी 5 माइनस करना हमारे लिए मुश्किल है, तो हम यहाँ से एक कैरी ओवर लेंगे। तो यहाँ से कैरी ओवर जब हम लेंगे तो ये जो 2 था ये बन जाएगा 12, तो 12 में से 5 गए 7, और फिर जो हम देखते हैं कि 4 ने कैरी दिया तो 4 के पास, 4 की जगह आ गया 3। अब 3 में से 7 माइनस करना भी बहुत मुश्किल है, तो हम फिर से कैरी ओवर लेंगे तो ये हो जाएगा 13। 13 में से 7 माइनस करते हैं तो आता है 6। अब जो 5 ने कैरी ओवर दिया था, 5 ने कैरी ओवर दिया तो 5 की जगह आ गया 4, और 4 में से 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1677। तो इस तरह से हम कैरी ओवर लेकर अपने सम्स को कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भी वही आंसर आ रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 1307, इफ़ द लार्जर नंबर इज़ 9577, फाइंड द स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो दो नंबर्स हैं उनके बीच में डिफरेंस कितना था, 9577 का डिफरेंस, 1307 का डिफरेंस था, और बड़ा नंबर हमें दिया गया है तो हमें दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, जब हमें दो में से एक नंबर दिया है और उनका डिफरेंस दिया है तो हम बिगर नंबर में से जो डिफरेंस है उसको माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास लार्जर नंबर है 9577 और उन दोनों के बीच में डिफरेंस है 1307, तो स्मॉलर नंबर हमें मिलेगा लार्जर नंबर में से डिफरेंस को माइनस करके। तो आइए एक बार देख लेते हैं हम इसको किस तरह से माइनस कर सकते हैं। तो हमारे पास जो
नंबर हैं वो हैं 9577-1307, 9577-1307। हमें ये माइनस करने हैं, तो अब हम देख लेते हैं कि सेवन में से सेवन, आप वंस प्लेस पर जब देखेंगे यहाँ पर वंस प्लेस है, सेवन में से सेवन आप माइनस कर सकते हैं, ये आएगा जीरो। सेवन में से जीरो भी आप माइनस कर सकते हैं, आपको कैरी ओवर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा सेवन। फाइव में से थ्री भी आप आराम से माइनस कर सकते हैं, ये आ जाएगा टू। और नाइन में से वन माइनस जब आप करेंगे तो एट, तो ये आ गया हमारा आंसर 8270। देख लेते हैं क्या यही आंसर है, तो जी हाँ यही आंसर हमारा आता है। तो अब हम वर्कशीट में आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट में आगे हमें कुछ और सम्स दिए गए हैं आपको, अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। तो जैसे अभी हमने किया था, हमने कॉलम में अरेंज किया था और फिर सब्ट्रैक्ट किया था, वैसे ही हमें यहाँ पर भी करना है। तो हमें 527 में से 115 को माइनस करना है, हम कर लेते हैं 527-115। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप वन से शुरू करेंगे माइनस करना, और जो भी आपको डिजिट्स रखनी हैं वो वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, और थाउजेंड की है तो थाउजेंड प्लेस पे भी रखेंगे। अब हम माइनस करते हैं, तो सेवन माइनस फाइव टू, टू माइनस वन इज़ टू, टू माइनस वन इज़ वन, एंड फाइव माइनस वन इज़ फोर। तो ये हमारा आंसर आ जाता है, और यही हम अपनी वर्कशीट में फिल कर देंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पर आया है 412। इसी तरह से आप 6150 में से भी 5462 को माइनस कर सकते हैं, तो हम इसको भी करके देख लेते हैं। 6150-5462, 6150-5462। तो ये वंस प्लेस है, ये टेंस, ये हंड्रेड, ये हंड्रेड प्लेस है आपका, और ये है थाउजेंड प्लेस। तो आप इसमें जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको कैरी ओवर की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि कैरी ओवर के बगैर आप नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिए, ये हमने वंस टेंस हंड्रेड प्लेस में इनको कर लिया है, तो अब देखिए जीरो में से टू माइनस नहीं कर सकते, कैरी ओवर लेंगे तो ये बन जाएगा टेन, टेन में से आप टू माइनस करेंगे तो एट आ जाएगा। अब इन्होंने कैरी ओवर दिया था तो इनकी जगह क्या रह जाएगा, फोर, फोर में से सिक्स माइनस नहीं हो सकते तो आप फिर से कैरी ओवर लेंगे, फोर का बन जाएगा फोर्टीन, फोर्टीन में से सिक्स माइनस करेंगे तो आएगा एट। अब वन ने कैरी ओवर दिया तो वन की जगह क्या बचेगा, जीरो। अब जीरो में से फोर तो माइनस कर नहीं सकते ना आप, तो जीरो में से फोर नहीं जाएंगे तो हम फिर से कैरी ओवर ले लेंगे और ये बन जाएगा टेन, टेन में से फोर आप माइनस करेंगे तो आएगा सिक्स, और यहाँ पर बचेगा फाइव। तो फाइव में से आप जब फाइव माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0688। तो आप देख सकते हैं कि हमारी वर्कशीट में ये जो आंसर आ गया है, ये आंसर आएगा 688। तो इस तरह से हम अपनी वर्कशीट को कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर टू आप देखिए, इसमें पूछा गया हाउ मच इज़ 45872 लेस देन 50,000। तो इसमें आपको क्या करना है, बताना है कि 50,000 से कितना कम है। तो वही वर्ड, जब लेस देन वर्ड आ गया तो आपको माइनस करना है। अब आप क्या करेंगे, 50,000 में से 45872 को माइनस कर देंगे, कैरी ओवर लेंगे और माइनस करते चलेंगे, 10 में से 2 जाएंगे 8, यहाँ पर बचेगा 9, क्योंकि ये कैरी ओवर जो है किस तरह से लिया गया है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जब आपको 5000 में से माइनस करना है, 50,000 में से माइनस करना है एक्चुअली आपको 45872। तो अब आपके लिए जो है कैरी ओवर आपको सीधा यहाँ से नहीं मिल पाएगा, तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ से कैरी ओवर लेते हुए चलेंगे
और फिर यहाँ पर कैरी ओवर जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, लेकिन बाकी सभी डिजिट्स क्या होती चली जाएंगी, 9, क्योंकि यहाँ से जब कैरी ओवर आया तो ये 10 था, देन इन्होंने कैरी ओवर दिया 9, इधर फिर इधर फिर इधर, तो इस तरह से यहाँ पर कैरी ओवर कम होता जाएगा। तो 10 में से 2 गए आपके आ जाएंगे 8, 9 में से 7 गए आ जाएंगे 2, 9 में से 8 गए 1, और 9 में से 5 गए 4, और यहाँ से कैरी ओवर जा चुका है सबसे पहले, तो यहाँ पर बचेंगे 4, और 4 में से जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 4128। तो आपने देखा कि इस तरह से हम माइनस कर सकते हैं एक से ज़्यादा प्लेसेस के कैरी ओवर्स को भी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ ए कार इज़ ₹5,50,795 एंड द प्राइस ऑफ ए मोटर बाइक इज़ ₹70,063, विच व्हीकल इज़ कॉस्टलियर एंड बाय हाउ मच। तो आपको बताना है कि कौन सा जो व्हीकल है वो कॉस्टलियर है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डिजिट है ये लैक्स में जा रही है और ये थाउजेंड्स में है, तो लैक्स वाले जो हैं वो कॉस्टलियर है, महंगी है, और कितनी है उसके लिए आप इसको माइनस कर देंगे। तो हम बड़े में से हमेशा छोटा माइनस करते हैं, तो यहाँ पर ये आपको स्वयं करना है, 55,0795 में से आपको माइनस करना है 70063। तो बच्चों ये है आज की आपकी वर्कशीट, ये समाप्त करके मुझे भेजेंगे। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है और मैं आपके आंसर की वेट करूँगी। तो आज के लिए गुड बाय, हम मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू।